हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सॉरी व्लॉग थोड़े लेट लेट आते हैं क्योंकि बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो आज मैंने सोचा सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं तो व्लॉग ही बना लें। यहाँ मैं टमाटर की चटनी हमेशा की तरह और चाय के साथ जो है अपना नाश्ता कर रही हूँ। आजकल ज़िंदगी ना बहुत तेज़ चलने लग गई है, पता ही नहीं लगता टाइम का। पहले ऐसा हुआ करता था ना कि हम अपने सारे काम में निपटा लेते थे, वीडियोस भी बना लेते थे, एडिटिंग भी कर लेते थे। अब तो इतनी स्पीड में ज़िंदगी चलती है। खैर कोई बात नहीं, हमने भी इसी के साथ चलना है। और जनाब, कराची का आजकल जो मौसम है वो कुछ इस तरह का है, कभी बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ने लग जाती है और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो अचानक से काले बादल आते हैं और बारिश स्टार्ट हो जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है बारिश का मंज़र। बस बारिश नॉर्मल आया करे, ज़्यादा ना आए, क्योंकि कराची में बारिश नहीं आती, साथ सी भी आ जाता है और फिर अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। अब हर किसी के पास तो अच्छे घर नहीं है ना बैठने के लिए, तो अल्लाह ताला रहमत की बारिश दे जिसकी वजह से किसी को भी कोई मसला ना हो, वरना बारिश बहुत हसीन लगती है। मुझे बारिश आने से पहले का मंज़र, जो काले काले बादल होते हैं, और जो बारिश चले जाने का मंज़र होता है ना बाद में, वो बहुत हसीन लगता है। बारिश और चीज़ें हरी भरी ना हो जाए, ख़ास तौर पे पौधे। हमने यहाँ पे गैलरी में ना एक साइड पे मेरे और मेरे छोटे भाई ने ना पौधे लगा रखे हैं। मैंने कुछ एलोवेरा के पौधे लगा रखे हैं और उसने कुछ छोटी मोटी बेलियाँ लगा रखी हैं, तो इतने खूबसूरत लग रहे थे ये बारिश में। और ये एलोवेरा के पौधे मैंने लगाए हैं माशाल्लाह, ये तो फिर भी बेहतर है, दूसरा वाला तो बढ़ता ही नहीं है। इनकी मैं इतनी ज़्यादा केयर करती हूँ, मैंने टाइम पर पानी भी देती हूँ सब कुछ। और अभी ये जो गमला खाली नज़र आ रहा है इसमें तो कुछ भी नहीं लगाया, बाल्टियाँ शाल्टियाँ सब में हमने छोटे छोटे पौधे लगा के रखे हैं। अभी कुछ बताएं आप लोग भी, अगर आपको पता है कि एलोवेरा किस तरह बढ़ेगा, ये मोटा होगा, क्योंकि ये तो बड़ी नहीं रहा। ये हमारी बेल थी जो मैडम गंजी होती जा रही है। अच्छा, ये नीचे से गंजी हो रही है और ऊपर से इसके अंदर फिर भी पत्ते वत्ते हैं ना, पर बारिश में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। जैसे ही मैं पार्लर से आज आई तो बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी गली से ना, और मैं घर में एंटर हुई तो बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी। और फिर पता लगा कि अम्मी ने पुलाव बनाया हुआ है। यार आप थके हुए आओ और आपकी अम्मी के हाथ का पुलाव बना हुआ खा लो तो सारी थकान उतर जाती है, और ऊपर से इतना लजीज पुलाव, माशाल्लाह मज़ा आ गया खा के। दोपहर का खाना जो है वो अम्मी बना लेती हैं और बहनें बना लेती हैं, और शाम का खाना जो है मैं बनाती हूँ, क्योंकि फिर सुबह में तो मुझे पार्लर काम सीखने के लिए जाना होता है। सब छोड़े, बस आप पुलाव की जो है लुक चेक करें। स्किन अचानक से इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मैंने कुछ ट्राई कर लिया था, करवा लिया था, तो उसकी वजह से मेरी स्किन पे रिएक्शन हो गया और काफ़ी ज़्यादा मेरे पूरे फेस पे, हर जगह मेरा फेस पे, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पिंपल निकल आए। और वो जब थोड़े बहुत ख़त्म होते हैं तो वैसे तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, और ख़त्म होते तो निशान छोड़ जाते हैं। तो अभी मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे फेस वॉश वगैरह ट्यूब्स वगैरह लिख के दी हैं, तो जैसे ही मुझे आराम आएगा तो फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी। अभी माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है, ये 2 हफ्ते पहले की क्लिप है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्किन ख़राब हुई थी, तो मैं आपके साथ वो फेस वॉश भी शेयर करती हूँ। स्किन पर कभी भी कुछ भी ऐसे ही उठाकर मत लगा लिया करें, कम से कम उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिया करें, उसके बाद आप अपनी स्किन पर अप्लाई किया करें ताकि स्किन जो है उल्टा रिएक्शन ना दे मेरी स्किन की तरह। जब मेरी स्किन की कंडीशन हो गई ऐसी तो मैं डायरेक्ट चली गई डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, और उन्होंने अपनी स्किन दिखाई तो फिर उन्होंने मुझे ये फेस वॉश लिख के दिया, जो कि एक क्लेंजर भी है, मिल्की क्लेंजर। ये आपके ऑयल को कंट्रोल करता है, स्किन को साफ करता है। ये 120 ml की बॉटल है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि जाहिर सी बात है मेडिकेटेड चीज़ जो है वो थोड़ी महंगी होती है, पर बहुत अच्छी होती है, आपकी स्किन को नुकसान नहीं देती। पहली बात तो ये फ़ायदा देती है, अगर फ़ायदा ना आपकी स्किन को मिले तो ये नुकसान भी नहीं देती। इसके इंग्रेडिएंट इतने अच्छे हैं कि जो आपकी पिंपल वाली एक्ने वाली स्किन को ज़रूरी होता है ना, वो सब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं इसको हाफ बॉटल से भी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ और मेरी स्किन माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई है, पिंपल्स तो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। मैंने इसको यूज़ किया था। प्राइस है इसके 950। इस फेस वॉश के साथ मुझे ये 2 ट्यूब्स भी मिली थी जो कि मुझे अपने पिंपल्स पर लगानी थी, और ये बहुत ही अच्छी ट्यूब्स निकली मेरे लिए कि काफ़ी जल्दी मुझे पिंपल्स में आराम आ गया, और मेरे पिंपल्स के जो हैं बस थोड़े बहुत निशान रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। वैसे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो स्किन है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। मैं बना रही हूँ कोफ्ते और शाम के खाने की जो है तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर कीमा लिया है और कुछ चने जो पीसे हुए हैं वो लिए हैं, और प्याज वगैरह लिया है, और अब अंडा डाल रही हूँ इसके अंदर और इसको जो है
पूरा मैं मिक्स कर लूँगी। कोफ्ते तो सभी को बनाने आते होंगे, क्योंकि कोफ्ते तो मुझे ऐसा लगता है जितने कोफ्ते आसान उतनी कोई चीज़ आसान ही नहीं है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी आप देखिएगा कि मैं कैसे कोफ्ते बनाती हूँ। वैसे मेरे घर वाले तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं मेरे खानों की। कोफ्तों का जितना भी मटेरियल है वो मैंने सारी की सारी चीज़ें जो है मिक्स कर ली हैं और ये बनकर तैयार है। अब हमने इसके गोल गोल छोटे छोटे जो है बॉल बना लेने हैं। मुझसे कुछ छोटे और कुछ बड़े बने हैं, पर अच्छे लगते हैं मुझे ना। हमारे घर में ना ज़्यादा कोई छोटे खाता और ना ज़्यादा बड़े, तो हम इसीलिए मैं मीडियम साइज़ में इनको रखती हूँ। और अब मैं जो है इनको फ्राई कर लूँगी ऑयल में। जब ये हल्के से ब्राउन हो जाएंगे थोड़े, तो फिर मैं जो है इनको निकाल लूँगी। इसमें कोई शक नहीं है कि कोफ्ते बिना तले बनाओ तब भी बहुत ही ज़्यादा लजीज बनते हैं, वो भी बहुत अच्छे टेस्ट वाले होते हैं। पर मैंने कहा इस बार थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं, तो ये वाले तो उफ़ माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा लजीज, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने थे। आप लोग भी इस तरह फ्राई करके बना के ना एक बार ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगा ये तरीका। मैंने भी यूट्यूब पे देखा था, पर बहुत अच्छे बने थे कोफ्ते, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की और बहुत मज़े के बने थे। रात का खाना खाने के बाद थोड़ी वॉक करने का दिल किया तो हम छत पे आ गए। और छत पे यहाँ पे मैं रोज़ाना 20 मिनट या आधा घंटा तो लाजमी वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बेशक आप एक्सरसाइज करो या ना करो, वॉक लाजमी किया करो। और पूरे दिन के बारे में भी सोच लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टाइम होता है पूरा अपने लिए। थोड़ा म्यूज़िक भी सुन लेती हूँ और थोड़ा अपने बारे में सोच लेती हूँ, पूरे दिन क्या किया, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी को कोई गलत बात तो नहीं बोली, मुझे क्या क्या करना है अगले दिनों में। तो मैं काफ़ी कुछ इस वॉक के दौरान जो है सोच लेती हूँ अपने बारे में। कोशिश किया करें किसी का दिल ना दुखाएं और किसी को कोई ऐसी बात ना बोलें जिसके पीछे आपको उसका रीज़न ना पता हो कि वो इंसान ये काम क्यों कर रहा है। या हर किसी को जज मत करने बैठ जाए करें, किसी को गलत बात ना बोला करें। आपको नहीं पता कि किसी को कितनी बुरी लग सकती है वो बात, तो सोच समझ कर बोला करें। और जो है दूसरों की खुशियों में जो है ना खुश होना सीखें। जब आप दूसरों की खुशी में खुश होना सीख जाएंगे ना, किसी को देखे जलेंगे नहीं, हसद नहीं करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी। बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।